नमस्कार, न्यूज ब्रेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। उत्तराखंड में आए भीषण त्रासदी से, भीषण आपदा से हमारे देश के आपदा प्रबंधन की पोल खुल गई। समझ में नहीं आता कि हमारे आपदा नियंत्रण नाम की कोई चीज है भी या नहीं। हजारों लोगों की मौत, अरबों की संपत्ति की बर्बादी और भारी व्यवस्था को नुकसान, पर्यावरण को नुकसान के बाद आज हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जो कुछ भी राहत हुई सेना के भरोसे, पुलिस वालों के भरोसे, आईटीबीटी के भरोसे हुई। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पर्यावरणविद और आपदा पर नियंत्रण के जानकार, जिन्होंने आपदा नियंत्रण पर होने वाले एमबीए कोर्स का की डिग्री की पूरी तैयारी की, पढ़ाते भी हैं वो, और साथ ही श्री राकेश त्रिवेदी ने उसका पाठ्यक्रम भी तैयार किया। आपका स्वागत है डॉक्टर त्रिवेदी हमारे स्टूडियो में। क्या आपदा नियंत्रण नाम की चीज भारत में है भी कोई? आपदा प्रबंधन ज्यादा सही बात होगी। आपदा प्रबंधन के बहुत सारे प्रोजेक्ट और बने हुए हैं, लेकिन देश में उस पर अमल नहीं हुआ है ठीक से। कब बने ऐसे प्रबंधन की व्यवस्था? देखिए, वैसे तो अपन यदि जाए तो आजादी के बाद दो तरह की आपदाएं देश में ज्यादा आई, सूखा, बाढ़, इन्हीं से हम सब परिचित थे। तो बाढ़ नियंत्रण को देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान नागपुर में अक्टूबर 1957 में स्थापित किया। ये पहला प्रबंधन का संस्थान था जो आपदा से संबंधित था। आप सोचिए 1957 तो जिस देश में 1957 में ये कदम उठाया गया हो, 2013 में जब हमारे यहाँ आपदा हुई तो फिर हमारे यहाँ सैकड़ों लोग मर गए। ये बताता है, इस बात को दर्शाता है कि प्रबंधन के उपाय हमने किए जरूर, लेकिन उनका अमल नहीं किया। किस तरह के उपाय होने थे उत्तराखंड में आपकी राय में? उत्तराखंड यानी जो हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है वो तीन तरह की आपदाओं से घिरा हुआ है। वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है और बाढ़ की घटनाएं भी होती हैं। नदियाँ हैं वहाँ तो बरसात में पानी उफान पर आ जाता है। ये तीन जो है संभावित घटनाएं हैं जो वहाँ पर कभी भी हो सकती हैं और होती रही हैं। तो इनसे किस तरह से हम अपना बचाव करें, इनके होने पर हम किस तरह से अपना प्रत्युत्तर दें, इसका प्रबंधन हमें बहुत सही ढंग से करना चाहिए। जो कुछ भी बचाव हुआ वो सेना के द्वारा किया गया या अर्धसैनिक बलों द्वारा किया गया, ऐसा लगा नहीं कि आपदा नियंत्रण का काम सेना का ही है। ऐसा लगता है कि सेना का काम है, सरकार की कोई जवाबदारी नहीं, कैबिनेट सचिव की जवाबदारी नहीं, कैबिनेट की जिम्मेदारी नहीं। किस लेवल का ये आपदा था? क्या आपदा पे भी कोई डिग्री होती है? देखिए, अपने देश की बात करें तो आपदा प्रबंधन केवल बचाव कार्य से संबंधित नहीं है। बचाव कार्य तो उस आपदा प्रबंधन का एक छोटा हिस्सा है। हर आपदा में बचाव करना पड़ता है, पुनर्वास करना पड़ता है, पुनर्निर्माण करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन में होता है तैयारी। यदि हम आपदा प्रबंधन को तीन हिस्सों में बांट दें कि आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद, तो आपदा के पूर्व का प्रबंधन यदि देखें जी, तो उसमें तैयारी आती है, उसमें शमन के लिए तैयारी आती है। किस तरह से आप किसी चीज को न्यूनीकरण करें, किस तरह से उसको घटाएं कि भविष्य में भूकंप आए तो हमारी कम से कम इमारतें गिरे। तो इमारतों को बनाने के लिए किस तरह का लोहा इस्तेमाल हो, कैसा सीमेंट इस्तेमाल हो, उसके बायलॉज बने बिल्डिंग के, उसमें बिल्डिंग बायलॉज में ही हम इस बात को शामिल कर दें कि यदि हमारे यहाँ भूकंप वाला संभावित क्षेत्र है तो हमारे भवनों की कितनी मजबूती होना चाहिए। डॉक्टर त्रिवेदी, ऐसा लगता है कि हम तो भारतवासी लोग आपदाओं को न्योता ही देते रहते हैं। उत्तरांचल में जिस तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, जैसे लोगों ने नदियों के किनारे, जब वहां पर भूस्खलन होता है तो नदियों के किनारे लोगों ने मकान बना लिए, कईयों ने कच्चे मकान बना लिए थे, जबकि पता कि हर बार मिट्टी का कटाव होता है, बारिश होती है और ग्लेशियर पिघलते हैं तो गर्मी में हमारी नदियों में बाढ़ आती है वहां। ये सब चीजें हमें पता, लेकिन हम तो उधार बैठे हैं कि कहां आपदा आए। बल्कि हम लोग इंदौर की बात करते हैं, इंदौर में हम लोगों ने चंद्रप्रभा शेखर जैसे नगर बना लिए नालों के किनारे,
जहां हर साल बारिश में लोगों की झोपड़ियां उजड़ती है और लोग फिर सरकार के आगे जाके हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं, तो आपदा को हमने कमाई का जरिया बना लिया। हमारे देश के 22 राज्य जो है आपदा संभावित राज्य हैं और 4 करोड़ हेक्टेयर हमारी भूमि जो है बाढ़ संभावित है और हमारे 16% देश का जो क्षेत्र है भू क्षेत्र वो सूखे से प्रभावित होता है। हर साल 5000 करोड़ का नुकसान हमारा आपदाओं में हो जाता है। तो नहीं नहीं तो मेरा ये कहना है कि हम आपदा की दृष्टि से बहुत नाजुक संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। हमारा जो देश है उसमें बहुत सारा वल्नरेबल एरिया है, नाजुक पक्ष हमारा बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ भी इस तरह का नाजुक पक्ष होता है और वो जोखिम के साथ जब हाथ मिला लेता है तो आपदा घटित हो जाती है। भूकंप से लोग नहीं मरते, लोग इसलिए मरते हैं कि मकानों के पत्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखें, पत्रे उड़ नहीं जाएं, लेकिन वो सिर पे गिरते हैं और फिर हमारे यहाँ मौत हो जाती है। हम मकानों के बीच में इतनी गली नहीं रखते जिसमें फायर ब्रिगेड की दमकल जा सके, हमारी एम्बुलेंस जा सके, तो वो पहुँचती नहीं उन तक और लोग वहीं मर जाते हैं। तो ये आपदा के कारण नहीं मरे, हमारी अव्यवस्था के कारण मरे। जब तक मकान ढहने लायक नहीं हो जाए हम उसमें रहते ही रहते हैं। हाँ, तो हमें जो है ये सारे प्रबंधन के दृष्टि से इनको देखना चाहिए। प्रबंधन की दृष्टि से कितनी डिग्रियां होती है आपदा में? जो उत्तराखंड की आपदा है उसको कौन सी डिग्री? पूरे देश की आपदाओं को 3 अलग अलग स्थितियों में बांटा है उन्होंने और उसको कहा है L0, L1, L2 और L3। L0 को तो सामान्य स्थिति इसलिए हम मानते ही नहीं, अभी सब दूर सामान्य जो चल रहा है तो वो L0 स्थिति है। लेकिन जैसे ही L1 अवस्था आएगी, यानी वो आपदा जिसको हमारा जिला प्रशासन अपने स्तर पर ही प्रबंधन कर ले जिसका, वो L1 स्थिति रहती है। L2 में जिला प्रशासन सक्षम नहीं होता और उसको राज्य सरकार की भी मदद की आवश्यकता पड़ती है, और L3 वाला जो है उसमें केंद्र सरकार की भी मदद की जरूरत पड़ती है। वो आपदा इतना बड़े स्तर पर हो जाती है, यानी उत्तराखंड की आपदा L3 श्रेणी की थी, हो सकता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या क्या गलतियां हमने उत्तराखंड की और उत्तराखंड के सबक क्या है आपदा प्रबंधन के लिहाज? हमने कहा ना कि वहां 3 तरह की जोखिम हमेशा थी, हमेशा रहेगी। भूस्खलन कभी भी हो सकता है, कह के नहीं आएगा। आपदा कभी भी सूचना दे के नहीं आती है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आती हैं, तो अचानक जो आपदा आ जाती है तो उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। ये मान के चलना चाहिए कि जो लोग तीर्थयात्री केदारनाथ तक जा रहे हैं वो ये 3 जोखिम के साथ जूझने जा रहे हैं और सिर पर कफन बांध कर जा रहे हैं। अब यदि आपने भूस्खलन वाले पहाड़ों पर खूब सारी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, मकान बना रखे हैं, तो जिस दिन भूस्खलन होना है उन मकानों को गिरना है। यदि बाढ़ भी आना है तो नदी के किनारे यदि आपने मकान बना रखे हैं वो सब मकान गिर जाएंगे, और हुआ ऐसा ही। हमने देखा टेलीविजन पर कैसे बाढ़ का पानी जा रहा था और कैसे भरभरा कर मकान गिरते जा रहे थे। तो आपने भूस्खलन मालूम होते हुए कि यहाँ भूस्खलन होता है, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन कैसे हमने अलाउ की वहाँ पर, वहाँ होना ही नहीं चाहिए। और भूकंप तो कभी भी आ सकता है, वो कच्चा क्षेत्र है हिमालय का और वहाँ आते रहते हैं भूकंप। तो लाखों लोग जब बड़ी संख्या में वहाँ जा रहे हैं तो ये जोखिम उठा रहे हैं वो, और ये जोखिम उठा रहे हैं तो हजारों में मर रहे हैं वो। तो प्रबंधन की दृष्टि से एक तो संख्या सीमित करनी पड़ेगी, एक तय करना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा लोग एट ए टाइम वहाँ न जाएँ, और उसका पूरा प्रबंधन वहाँ की जो राज्य सरकार है उसको करना है। उस राज्य का आपदा प्रबंधन प्लान ही नहीं है उत्तराखंड। अब उस स्टेट में तीर्थयात्री है 1 करोड़, तो उस राज्य की आबादी है और 2.5 करोड़ वहाँ पर्यटक है, तो 3.5 करोड़ का बोझ वो राज्य उठा रहा है और उसके पास आपदा प्रबंधन का कोई प्लान ही नहीं। उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं कि कितने लोग बाहर से आए, उनके नाम पते क्या हैं और वे लोग वापस गए भी या नहीं। जी, इसलिए ये सब हमने जो हानि उठाई, खास करके जन हानि सबसे ज़्यादा बड़ी है। आप संपत्ति तो फिर खड़ी कर लोगे, आप पेड़ फिर से लगा दोगे, आप बगीचा फिर से ठीक कर लोगे, लेकिन जो चला गया उसको कहाँ से लाओगे? हमें प्रबंधन इसलिए करना है कि कम से कम जनहानि हो। विदेशों में, विकसित देशों में, मैं अमेरिका का उदाहरण देता हूँ, वहाँ हरिकेन्स आते हैं, तूफान आते हैं बड़े बड़े, और सैटेलाइट से पता लग जाता है कि वो तूफान किस दिशा में आ रहा है, किस गति से आ रहा है, और फिर उसकी दिशा को देखते हुए
प्रबंधन शुरू हो जाता है, शहर गांव खाली करा लिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग मरें। आपदा से कोई ना कोई जनहानि तो होती है, एकदम शून्य तो नहीं कर सकते अपन, लेकिन हजारों में ना हो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। वहाँ तो ये भी है कि शहर में 5 बजे यदि शाम को बारिश होने वाली है कहीं, तो कार में लोग देख लेते हैं कि अपने को उस इलाके में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ बरसात होने वाली है, और बराबर 5 बजे उस शहर में उस इलाके में बरसात होती है। यहाँ भी मौसम विभाग ने भविष्यवाणी सटीक जो है भविष्यवाणी या मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की तो थी उत्तराखंड कि बारिश होगी, सावधान रहें। हाँ, तो यदि उन्होंने ऐसा कहा था तो लाखों की संख्या में ऊपर जाने नहीं देना था तीर्थयात्रियों को, और हम इसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को इतना ज़्यादा संरक्षण देते हैं तो हमें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तकनीकी रूप से क्या हम बहुत पिछड़े हैं, क्योंकि इसराइल ने ऐसे ऐसे डिवाइस बनाए जो ज़मीन के 20 मीटर नीचे अगर कोई दिल धड़क रहा है तो उसकी धड़कन सुन के बता देते हैं कि वहाँ किसी का दिल धड़क रहा, कोई नीचे दबा हुआ है। हमारे गुजरात में ही अहमदाबाद में फायर फाइटिंग के ऐसे इक्विपमेंट है जो 1/15 पानी का उपयोग करके इतनी ही अग्निशमन कर सकते हैं। पानी की चादर से बिछा देते हैं प्रेशर के साथ और आग जल्दी बुझती है। तो क्या हम तकनीकी रूप से पीछे हैं या पैसे की कमी है हमारे? तकनीकी दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। रिसर्च यानी अनुसंधान को हमने महत्व ही नहीं दिया है। चीन जैसा पड़ोसी हमारा पूरी दुनिया में 3रे नंबर पर है अनुसंधान का बजट रखने वाला, लेकिन हम 11वें स्थान पर हैं। और जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हम टेक्नोलॉजी और साइंस को बहुत आगे एडवांसमेंट की तरफ नहीं ले जा सकते, और ये सारा प्रबंधन जो है साइंस और टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया है। हम बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि तकनीकी दृष्टि से हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन जिस गति से हमें आगे जाना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी रिसर्च होना चाहिए। क्या जो लोग उत्तराखंड में गए थे पर्यटन के लिए गए थे या धार्मिक यात्रा पर गए थे, अब लोग 4-4 पीढ़ी के लोग एक साथ गए, 3-3 साल के बच्चे को ले गए, तो 3 साल के बच्चे को कौन सा स्वर्ग में जाने की या पाप किए उसने कि उसको उसके पाप धुलने के लिए ले गए, ऐसा क्यों किया लोगों ने? भीड़ जब भी जाती है तो भीड़ में जो हमारा कमजोर पक्ष है या जिसको हम नाजुक पक्ष बोलते हैं वो यही है कि वरिष्ठ कितने हैं उसमें, वृद्ध लोग कितने हैं उसमें, गर्भवती महिलाएं कितनी हैं उसमें, छोटे बच्चे कितने हैं। जब भी आपदा आई थी ये 3 जो श्रेणियां हैं इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। युवा इसमें सबसे कम अफेक्ट होंगे, लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो दौड़ नहीं सकेंगी, वो जा नहीं सकेंगी, पहाड़ चढ़ नहीं सकेंगी, छोटे बच्चे लाचार हो जाएंगे, वृद्ध बिल्कुल ही लाचार हो जाएंगे। तो जब भी ऐसी भागदौड़ वाली कोई आपदा होगी जिसमें बचने के लिए आदमी को भागना पड़े, ये लोग उसमें से नहीं कर पाएंगे और इन्हें मौत का शिकार होना पड़ता है। क्या ये भी कमी रही कि जो लोग वहाँ जा रहे थे उन्हें इस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, ये बताया नहीं गया कि अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जाइए, फर्स्ट एड का सामान ले जाइए, बैटरी ले जाइए, टॉर्च ले जाइए, पाउडर का दूध ले जाइए, सूखे मेवे या बिस्किट ले जाइए खाने पीने के, ऐसा कुछ लोग नहीं करते? इस तरह का प्रशिक्षण ही तो आपदा प्रबंधन का हिस्सा है। जो आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय जो प्लान बना हुआ है, नेशनल रिस्पॉन्स प्लान भारत ने बनाया 2001 में, उसमें ही लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार का ये प्लान जो है जन चेतना के लिए है, इसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, लोगों को जागरूक बनाया जाए। हमने वो प्लान ही कहाँ एग्जीक्यूट किया। क्या कोई सब लोग ट्रेनिंग लेते हैं इस तरह की? इस तरह की मॉक ड्रिल होती है, आपने देखा होगा ट्रेजर आइलैंड में कई बार इस तरह का सरकार की तरफ से प्रयास हुआ कि एकदम कुछ हो जाए तो उस पूरी बिल्डिंग को कैसे खाली किया जाए। तो ये प्रशिक्षण दिया जाता है, और विदेशों में, विकसित देशों में ये आमतौर पर एक रूटीन कार्य है और लोग करते हैं, इसमें ईमानदारी से भाग लेते हैं। भविष्य में ऐसी आपदाओं में कम से कम जनहानि हो, आपदा नियंत्रण कैसे प्रभावशाली ढंग से हो, आपको क्या लगता है, क्या सुझाव? मुझे लगता है कि हमें आपदा प्रबंधन को साइंटिफिक तरीके से पूरे सिद्धांतों के साथ उसे अमल में लाना चाहिए, और प्रिपेयर्डनेस जो मैंने कहा तैयारी और मिटिगेशन शमन जिसे हम कहते हैं, ये 2 प्लानिंग हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो क्योर नहीं होगी। यदि हम आपको बचाना चाहते हैं, रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि घटना हो जाए उसके बाद सारी शक्ति लगा दें। वो परंपरा जो थी प्रबंधन की पुरानी, उसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया
वादी, यदि कोई घटना हुई और हमने रिएक्ट किया उसको, लेकिन यदि हम प्रोएक्टिव हो जाएं, हम पहले से कर्ममुखी बना लें अपने आप को, तो शायद घटना हो तब इतना रिस्पांस नहीं देना पड़ेगा। अपने जवाब को हमें मजबूत बनाना है। आपदा तो आएंगी, लेकिन जो प्रत्युत्तर आपको देना है आपदा का, उसके लिए आपको सक्षम बनना है। क्या इसमें कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मूल्य भी जवाबदार हैं? जब उत्तराखंड देवभूमि में इतने सारे लोग परेशानियों में घिरे हैं, तो छोटे व्यापारियों ने उन्हें लूटा, मनमाना पैसा लिया, साधु संत जिनका नाम लेकर लोग पैसा चढ़ाते हैं, जिनका नाम लेकर जिंदगी गुजार देते हैं, उन साधु संतों ने आगे बढ़कर एक ढेले की मदद नहीं की, वो मैदान में आए ही नहीं, ये सब चीज़ें क्या इंगित कर? ये हमारी शिक्षा का कमजोर पक्ष बताती है, किस तरह के संस्कार हम लोगों को दे रहे हैं, कैसी शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। लोग शिक्षित नहीं तो संस्कारित नहीं है, पढ़े लिखे लोग होकर ऐसे काम कर रहे हैं, ये हमारी नैतिकता का पतन हो रहा है। साधु संत हमारे प्रवचनों में आए दिन यही तो बात करते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो वो खुद बिल्कुल नहीं करते। किसी साधु जो कोई भी नहीं करता, जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां लेकर बैठे हैं, जो अब ब्रांड बन चुके हैं, वो साधु भी कोई आगे नहीं आ रहे। हाँ, पर ये सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते ना, ये तो एक दो एक मछली तालाब को गंदा करती है। ये समाज में सारे लोग थोड़ी ऐसे हैं, सारे साधु संत थोड़ी ऐसे हैं। एक व्यक्तिगत रूप में चलते चलते डॉक्टर त्रिवेदी ये बताएं, कोई व्यक्ति खुद अपने स्तर पर अगर बचाव के आपदा प्रबंधन की स्थिति में जीना चाहे तो उसे क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, किस तरह की आपदा के लिए उसे तैयारी करना है, ये देखना चाहिए। जिस क्षेत्र में वो रहता है, जिस इलाके में वो रहता है, वहाँ किस तरह की आपदाएं अधिक आती हैं। जैसे पेट्रोल पंप यदि 20 शहर में है, तो जितने भी लोग उसके आसपास हैं वो एक जोखिम के साथ जी रहे हैं जी, और जब कोई घटना हो जाए तो उन्हीं को उससे प्रभावित होना पड़ता है। तो उस तरह का कोई जलने वाली गतिविधि आसपास ना हो, जैसे कोई हलवाई की दुकान है जिसमें भट्टी जल रही है और पेट्रोल पंप बिल्कुल पास है। हम तो रावण दहन भी पेट्रोल पंप के पास करते हैं, और बाद में यदि वो कुछ नहीं होता है तो हमको लगता है अच्छी परंपरा है, किसी दिन घटना हो गई तब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें आपदा प्रबंधन की दृष्टि से रावण दहन जैसे स्थल को पेट्रोल पंप के पास तो नहीं रखना चाहिए। तो ये जोखिम के साथ हमारा नाजुक पक्ष हाथ मिलाएगा और किसी भी दिन आपदा हो जाएगी। तो ये नागरिकों को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि उन्हें देखना पड़ेगा कि किस किस तरह से हम आपदाओं से घिर सकते हैं, और उसकी सुरक्षा के बचाव के उपाय उनको करना पड़ेगा। डॉक्टर त्रिवेदी, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो आए, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं, YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आप चाहें तो हमारे तमाम प्रोग्राम YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं। आपको YouTube ओपन करके सर्च लिख टाइप करना होगा न्यूज मेकर्स डीजी न्यूज इंदौर, और हमारे तमाम प्रोग्राम आप वहां पर देख सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।